पानीपत में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। बिजली की लाइन ठीक करते वक्त एक कर्मचारी को करंट लग गया और वह ट्रांसफार्मर पर जा गिरा। कर्मचारी का शव काफी देर तक ट्रांसफार्मर पर पड़ा रहा। मामले की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें, पानीपत के गाँव खोजकीपुर का रहने वाला 32 साल का सुरेंद्र निजी ठेकेदार के पास काम करता था। आज हमें सूचना मिली थी कि सनोली बस स्टैंड पे जो कई दिन से तारों का काम चल रहा था, वहाँ पे ट्रांसफार्मर पे एक लड़के को करंट लग गया जो वर्कर था। इस सूचना पे हम मौके पर गए थे। वहाँ पे हमने देखा था एक लड़का ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर करंट लगा हुआ था उसको, और वो ट्रांसफार्मर के ही ऊपर लटका हुआ था। हमने बॉडी को नीचे उतरवाया, उसके वारसान आ गए थे मौके पर ही। बॉडी को उतरवा के नीचे GH में लेके आए हैं। अब उसके पिताजी ने दरख्वास्त दी है, तो दरख्वास्त के आधार पर जिन लोगों के खिलाफ दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त के आधार पर हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा के बॉडी वारसन के हवाले की जाएगी। उसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है, इन्वेस्टिगेशन है, फिर वो की जाएगी। सर, क्या लापरवाही थी लाइन चालू? इनिशिएटिव तो लापरवाही लग ही रही है, क्योंकि जब ये बता रहे हैं कि हमने परमिट ले लिया था जो ठेकेदार के जो वहाँ काम करे थे, अगर परमिट ले लिया था तो फिर लाइन में करंट नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चूक रही है, या तो कोई कम्युनिकेशन गैप रहा हो, या कहीं ना कहीं तो चूक है ही है। जब इतना बड़ा हादसा हो गया, लड़का ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया है, तो चूक तो है कहीं ना कहीं। परिजनों की शिकायत किस नाम दी है? परिजनों ने, एक तो जो ठेकेदार है और दो लाइनमैन हैं और एक JE हैं, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। सर, हमारे को बोला गया परमट के लिए, वो परमट हो गया तो हमारा वायु ऊपर चढ़ गया, तो जबकि जब वो चढ़ा जब तो लाइन बंद थी, फिर एकदम लाइन होल्ड कर दी गई उन्होंने। होल्ड लाइन हुई तो अपना करंट लग गया उसको। मौके पे कितने कर्मचारी थे? मौके पे 6 आदमी थे जी। सातवां मैं था जी। कहाँ की घटना है ये? सोनोली खुर्द में तो हादसा हुआ जी, और हम खोजकीपुर के रहने वाले। मरने वाले का नाम क्या, कितनी उम्र है? सुरेंद्र है जी, 33 साल की उम्र है इसकी। तो लापरवाही किसकी मानते हैं आप? हाँ, लापरवाही लाइन मैनों का जी। लाइन मैन जो है, ठेकेदार की भी, और लाइन मैनों की जी, और JE की। हाँ जी। JE भी आया था सर वहाँ। किस टाइम घटना है ये? कोई 10-10:30 बजे करीब हुई जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। क्या लगते हैं मृतक क्या? ना तो भाई लगता था तक छोरा जी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।